ज्ञानमूलं गुरोर्मूरति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपे गुरो ज्ञाना परम नस्म सद्गु नमे नमो नमो को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप हो सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों मानव के लिए आत्मज्ञान पाना परमावश्यक है आत्मज्ञान के बिना उसके जीवन का कल्याणो उद्धार नहीं हो सकता लोग अनेक प्रकार के ज्ञान कथते वे सुनते हैं किंतु आत्मज्ञान के बिना सब ज्ञान थोते हैं फीके हैं वे सब ज्ञान मानव को संसार की चक्र में घुमाते हैं छुटकारा नहीं दिलाते किंतु आत्मज्ञान मनुष्य को भव बंधनों से छुड़ाता है और उसका कल्याण उद्धार करता है सच्चे संत गुरुजन तत्व ज्ञानी होते हैं आत्मज्ञानी होते हैं आत्मानुभवी होते हैं और वे शरीर एवं संसार के प्राणी पदार्थों से अनासक्त होकर आत्मस्वरूपस्थ रहते हैं और वे जन जन को आत्मज्ञान का महाप्रसाद प्रदान करते हैं किंतु तथा कथित धार्मिक जन एवं गुरुवा लोग अनेक प्रकार का ज्ञान कहते हैं वर्णन करते हैं अपनी मोहक वाणी बोलते हैं अद्भुत एवं चमत्कारी वाणी बोलते हैं जिससे बहुत से लोग आकर्षित होते हैं और वे उनकी चरण शरण में आ जाते हैं उनकी अद्भुत वाणिया मोहक उनके ज्ञानोपदेश चमत्कारी कथा प्रसंग कुछ इस प्रकार के होते हैं वो उनका आधार लेकर के अपना ऐसा वाणी जाल फेंकते हैं जन समुदाय के ऊपर जैसे एक मछुआरा अपने जाल से मछलियों को पकड़ता है जाल में मछलियां फंस जाती हैं और वो उन्हें ले आता है इसी प्रकार से लोग चमत्कारी प्रसंगों में अद्भुत वाणियों में फंसते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है तो उन संत गुरुजन की शरण में जाना चाहिए जो यथार्थ में आत्मबोध प्रदान करते हैं तथाकथित गुरुवा लोग हैं उनसे बचना चाहिए विवेकपूर्वक सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं जो बात सारहीन है ब्रह्मपूर्ण है अवैज्ञानिक है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हुए जो अपने वाणी जाल में लोगों को फंसाते हैं उनकी ओर संकेत करते हुए सदगुरु कबीर साहेब अपनी अमृतवाणी में कहते हैं आत्मज्ञान जाने नहीं आत्मज्ञान जाने नहीं कथ जू ज्ञान तारे तिमिर ने भा गई जब लग उगे नदगुरु अपनी अमृत वाणी में आत्मज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं उसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि लोग आत्मज्ञान तो जानते नहीं उन्हें आत्मा का कोई अनुभव नहीं और वे करोड़ों ज्ञान कथते हैं अनेक ज्ञान ग्रंथों का आधार लेकर के उनके चमत्कारी प्रसंगों को उठाकर ने कोटि ज्ञान कथते हैं और उससे उनका तो जीवन व्यर्थ है ही उससे जो श्रोता है उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है उनका जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो जाता है तो बिना आत्मज्ञान के किसी का कल्याण हो नहीं सकता जिस प्रकार घनी रात्रि के अंधकार को असंख्य तारागणन नहीं मिटा पाते वो अंधकार तब तक दूर नहीं होता जब तक सूर्य का उदय नहीं होता एक सूर्य उदय होता है रात्रि का अंधकार भाग जाता है इसी प्रकार जब आत्मज्ञान का उदय होता है अपने आप में तब समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है फिर किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं रहता सदगुरु कबीर साहब अपनी अमृतवाणी में जो कि उनकी एक उलटवासी वासी है उसमें वो समझाते हुए कहते हैं आ जा का घर अमर है आ जा का घर अमर है बेटा के सिर भार तीन लोक नाती ठगा पंडित करो विचार सदगुरु कवि कहते हैं सीधे अर्थ में यदि इसको कहा जाए तो समझ नहीं पड़ता है आजा का अर्थ है दादा अथवा पिता में है कि उसका तो घर अमर है बेटा के सिर भार है तो वाणी कुछ समझ नहीं पड़ती है तो इसका इसे प्रतीकात्मक अर्थ लें यहां पर आजा का अर्थ है आत्मा दादा अथवा पिता में आत्मा है बेटा मन है तो वाणी का अर्थ स्पष्ट इस, इस प्रकार है कि आत्मा का घर अर्थात आत्मा का स्वरूप तो अविनाशी है और वो अपने आप में मुक्त है किंतु बेटा मन के सिर पर बोझ है वह संसार के काज व्यवहार का बोझ सिर पर लादे हैं चंचल रहता है इधर उधर दौड़ता रहता है किंतु मन के जो संबंधी हैं, वे उसके विकार हैं काम क्रोध मद लोभ मोह ये उसके संबंधी हैं। उन्होंने तीन लोगों के लोगों को ठग लिया लूट लिया अर्थात उनके जीवन को पूरी तरह से ज्ञान रहित कर दिया उन्हें पूरी तरह से दुर्बल बना दिया ए पंडितों इस पर विचार करो आत्मज्ञान को जानो मन का संयम करो उसके विकारों पर पूरी तरह से नियंत्रण करो तभी जीवन का कल्याण होता है यह आत्मा अविनाशी है इसको गीता में कहा है गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं न जायते मृतते वा कदाचि नूत भविता वूय है अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणों न हन्यते हन्य मानी शरीर अर्थात ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है अथवा न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है क्योंकि ये अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है नहन्यते हन्य माने शरीर शरीर का नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है किंतु तो अज्ञानवश जीव सोचता है लोग सोचते हैं कि हम मरते हैं इसीलिए मृत्यु से भय खाते हैं इसलिए कि उन्हें आत्मा का बोध नहीं आत्मा का अनुभव नहीं इसीलिए मृत्यु से डरते हैं